चैनल और आज हम बात करेंगे एक और स्किल टेस्ट के बारे में जो कि है रशेल लेंच वॉलीबॉल टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो वॉलीबॉल की बेसिक स्किल को असेस करने के लिए बना है। सबसे पहले फ्रेंच और कूपर ने 1937 में एक टेस्ट बनाया और ये गर्ल्स के लिए क्लास 7 से 9 तक की गर्ल्स के लिए ही रिकमेंडेड था। उसके बाद रशेल और लेंच इन दोनों ने मिलकर 1940 में एक और टेस्ट बनाया और इस टेस्ट को उन्होंने जूनियर हाई स्कूल गर्ल्स के लिए रिकमेंड किया। ये टेस्ट जो है इसमें दो टेस्ट आइटम रखे जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट आइटम थे। सबसे पहला था सर्विंग टेस्ट। सर्विंग एबिलिटी बहुत ही बेसिक स्किल है किसी भी वॉलीबॉलर के लिए। और जो उन्होंने दूसरा टेस्ट आइटम रखा दैट वॉज वॉलिंग टेस्ट। ये दो टेस्ट आइटम थे जो उन्होंने अपने टेस्ट में रखे। सो रशेल लेंच वॉलीबॉल टेस्ट जो है वो 1940 में कंस्ट्रक्ट हुआ और उसमें दो टेस्ट आइटम रखे गए। द वेरी फर्स्ट वन इज सर्विंग टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज वॉलिंग टेस्ट। अगर हम इनके इक्विपमेंट की बात करें, क्योंकि ये स्किल टेस्ट है तो इसमें हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो सबसे बेसिक इक्विपमेंट हमारा वॉलीबॉल होगा। और अगर टेस्ट एरिया की बात करें तो यहाँ जो टेस्ट एरिया है वो वॉलीबॉल का कोर्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्विंग टेस्ट जो है उसे कैसे कराया जाता है और उसके लिए क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर टेस्ट एरिया के। सर्विंग टेस्ट कराने के लिए हमें पूरा का पूरा एक वॉलीबॉल कोर्ट चाहिए। वॉलीबॉल कोर्ट की जो डायमेंशन है वो 18x9 मीटर होती है। अगर हम 9 मीटर को फीट में लिखें तो ये 30 फीट होगा। अब हमें इधर के हाफ कोर्ट में कुछ नहीं करना है, इधर के हाफ कोर्ट में हमें कुछ मार्किंग करनी है, सेंटर लाइन पे हमें कुछ नहीं करना है। एंड लाइन से हम 5 फीट की डिस्टेंस पर एक लाइन बनाएंगे जो कि एंड लाइन से 5 फीट की डिस्टेंस में है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है यानी 30 फीट है। 5 फीट की डिस्टेंस पे हमने सबसे पहली लाइन बनाई और इसके बाद 12.5 फीट, क्योंकि 30 में से 5 निकल गए बचे 25, तो हम 12.5 फीट इधर रखेंगे और 12.5 फीट इधर रखेंगे। अब हम साइड में भी 5 फीट की डिस्टेंस पे दो लाइन और बनाएंगे। ये साइड लाइन से इनमें भी 5 फीट की डिस्टेंस होगा। तो ये एक 30x30 फीट का स्क्वायर है जो कि वॉलीबॉल का एक हाफ कोर्ट है। उसको हमने 7 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 4 और लास्ट में है 5। इसको याद करने का तरीका ये है कि सेंटर में ऑड होता है और साइड में इवन होता है। अब ये मार्क्स लिखे क्यों गए? क्योंकि इस टेस्ट का नाम सर्विंग टेस्ट है तो जो भी सब्जेक्ट है वो यहां से सर्व करेगा। सब्जेक्ट को यहां पर जो नेट लगा है उसको क्रॉस करके सर्व करना है और उसकी बॉल जहां भी गिरेगी उसको उतने ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को 10 ट्रायल्स दिए जाएंगे। उस 10 ट्रायल में वो जितने भी मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकता है वो उसका स्कोर हो जाता है। सो अगर यहाँ से सब्जेक्ट सर्व करता है और बॉल आके यहाँ पर गिरती है देन ही विल रिसीव 3 पॉइंट्स। इन केस अगर बॉल जो है वो किसी लाइन पर गिरती है, सपोज यहाँ पर, तो उस लाइन से जो भी मैक्सिमम पॉइंट उसको मिल सकते हैं वो मैक्सिमम पॉइंट उसे दिए जाएंगे। सो दिस वन वॉज द वेरी फर्स्ट वन सर्विंग टेस्ट। उसको कराने के लिए आपको क्या करना है, जो पूरा का पूरा वॉलीबॉल कोर्ट है उसके हाफ कोर्ट में ये मार्किंग करनी है। मार्किंग करने का तरीका है कि आपको जो पहली लाइन है वो एंड लाइन से 5 फीट की डिस्टेंस में बनानी है। उसके बाद जो भी कोर्ट बचा है उसको हाफ बाइसेक्ट कर देना, यानी 12.5 फीट इधर और 12.5 फीट इधर। फिर हमें साइड से भी 5x5 फीट पर एक लाइन बनानी है और इस तरह हम हाफ कोर्ट का जो 9x9 मीटर का एक बॉक्स है उसको 7 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर हमें 7 बॉक्सेस में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, वो पॉइंट्स जो कि सब्जेक्ट को मिलेगा जहां वो सर्विस करेगा। पॉइंट लिखने का तरीके को याद करने का ट्रिक ये है कि जो सेंटर में है वो 1, 3, 5 होगा और जो साइड में है वो इवन होगा यानी 2 और 4।
और यहाँ पर सब्जेक्ट को 10 ट्रायल्स दिए जाएंगे और वो 10 ट्रायल में जितना भी मैक्सिमम स्कोर करेगा, जो उसका मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है दैट वुड बी 50 अगर यहाँ पर सारी की सारी बॉल्स आती हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टेस्ट आइटम की जो कि है बॉलिंग टेस्ट। यहाँ पर हमें वॉल ले लेनी है और वॉल पर जमीन से 7.5 फीट की डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मेजरमेंट है 10 फीट और इस तरह करके इसको एक बॉक्स बना देना है जो कि ऊपर से खुला हुआ है। फिर हम ग्राउंड से 3 फीट दूर एक रीस्ट्रेनिंग लाइन बनाएंगे, वो रीस्ट्रेनिंग लाइन जिसके बाहर सब्जेक्ट को खड़े होकर वॉली करना है। तो ये वो टारगेट एरिया है जहां पे सब्जेक्ट को वॉली करना है। सब्जेक्ट जो है वो रीस्ट्रेनिंग लाइन 3 फीट दूर खड़े होकर यहां से बॉल को वॉली करेगा और 30 सेकेंड्स में वो जितने भी नंबर ऑफ लीगल हिट्स करता है इस पर्टिकुलर टारगेट में, वो नंबर ऑफ लीगल हिट्स ही उसका स्कोर हो जाएंगे। सो दिस वाज रशियन लेंच वॉलीबॉल टेस्ट जो कि 1940 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और उसमें दो टेस्ट आइटम थे। द वेरी फर्स्ट वन वाज सर्विंग टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज बॉलिंग टेस्ट। आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। फॉर मोर यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। Till that, keep watching to my channel and don't forget to subscribe to this channel.